Welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you how to construct negative question on passive voice in present continuous tense. How to construct negative question on passive voice in present continuous tense? Here mainly we are looking causative verb. How to construct negative question by using causative verb in present continuous tense? And here passive voice is going on by using causative verb. Here I will use both language, Hindi and English, to explain in this session so that you may understand it in very easy language. Now, negative question means intro plus negative sentence. Negative question means intro plus negative sentence. In spoken term, we call it negative questions. In grammatical term, we call it intro plus negative sentence. That means, spoken के term में हम negative questions कहते हैं और ग्रामर के टर्म में उसे इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी हम कॉजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये कॉजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये जो हमारे टॉपिक है ये नेगेटिव क्वेश्चन के लिए है, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। इफ आई टॉक अबाउट इन हिंदी एंड आई गिव वेरियस एग्जाम्पल बाई यूजिंग नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं अभी मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। क्या आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलवाया जा रहा है? क्या उन्हें मार्केट नहीं भिजवाया जा रहा है? क्या लेटर नहीं लिखवाया जा रहा है? क्या ग्राउंड में मेला नहीं लगवाया जा रहा है? क्या क्लास में कंप्यूटर नहीं चलवाया जा रहा है? क्या उन्हें जॉब से सस्पेंड नहीं करवाया जा रहा है? क्या आपको पास होने पर प्राइज नहीं दिलवाया जा रहा है? ये जितने भी सेंटेंस हैं ये आपके पॉजिटिव वर्ब के होते हैं निगेटिव क्वेश्चन के लिए पैसिव वॉइस में। ये जितने भी सेंटेंस हैं ये आपके पॉजिटिव वर्ब के होते हैं नेगेटिव क्वेश्चन में पैसिव वॉइस के, यही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये जिस प्रकार के जितने सेंटेंस मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, इस तरीके के जब भी आपको सेंटेंस कन्वर्सेशन के टाइम पूछने हैं तो आप नेगेटिव क्वेश्चन का यूज करेंगे सेंटेंस की फ्रेमिंग करने के लिए। अभी आपको अच्छे तरीके से समझ गया होंगे। नाउ आई टेल इट्स स्ट्रक्चर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस। आवर स्ट्रक्चर विल बी इट एंड आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस बीइंग प्लस मेड प्लस टू एमबी फर्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट दैट मींस ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। अगेन एच एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस बीइंग प्लस मेड प्लस टू एमबी फर्स्ट प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट दैट मींस ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ एजेंट इज मेंशन्ड इन योर सेंटेंस यू विल हैव टू पुट अदरवाइज नॉट इन टू मार्केट। यदि आपका किसी सेंटेंस में एजेंट मेंशन है मींस पैसिव ऑब्जेक्ट मेंशन है तो आप पुट करेंगे, नहीं तो आपको पुट करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल क्या होता है ये जो बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल रेयर केस में होता है, क्यों होता है? क्योंकि आजकल कैजुअल इंग्लिश हो गई है, एडवांस इंग्लिश में अगर एजेंट मेंशन नहीं करते लोग, जब भी आपका एजेंट मेंशन है तो आप करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। आप सिंपल इसको एलिमिनेट करेंगे, बाय सब्जेक्ट दैट मींस ऑप्शनल एजेंट को आप एलिमिनेट करेंगे इसको, और सिर्फ आपका इस तरीके से एजेमार प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी मेड प्लस टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग कर देंगे स्ट्रक्चर को यूज करके। नाउ आई टेल एग्जांपल बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर का यूज करके एग्जांपल बता रहा हूँ। किस केस में आप एलिमिनेट करेंगे? जब आपका एजेंट मेंशन नहीं है तो आप पैसिव ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करेंगे, और यदि है तो आप लिखेंगे। नाउ हियर वी आर लुकिंग आर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल। आर फर्स्ट इलस्ट्रेशन विल बी एग्जाम्पल आर स्वीट्स नॉट बीइंग मेड टू distribute
एनसीटी। आर फर्स्ट एग्जांपल स्टेट आर फिट्स नॉट बीइंग मेड टू डिस्ट्रीब्यूट बाय हिम इन सिटी। आर फिट नॉट बीइंग मेड टू डिस्ट्रीब्यूट बाय हिम इन सिटी देन क्वेश्चन मार्क इट्स इंडिविजुअली विल बी क्या मिठाइयां उनके द्वारा सिटी में नहीं बंटवाई जा रही हैं। क्या मिठाइयां उनके द्वारा सिटी में नहीं बंटवाई जा रही हैं डेट इज फिट्स इंडिविजुअली। अभी आप लोग देख रहे होंगे आर इफ फिट हमारा पैसिव सब्जेक्ट है देन नॉट बी देन मेड मेड इज हियर प्लेइंग रोल ऑफ मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म टू एंड बी फर्स्ट मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय हिम ये आपका ऑप्शनल एजेंट है जिसे हम बाय पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं इन सिटी अदरवाइज देन क्वेश्चन मार्क एज पर स्ट्रक्चर सेंटेंस हैज बीन कंडक्टेड। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा बनाया गया है आप समझ गए होंगे। ये बाय और एजेंट कुछ समय के लिए आप भूल जाए बाय कुछ समय के लिए आप बाय हिम को भूल जाए इतने पार्ट को मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि अब ये सेंटेंस है मेरा एजेंट पुट किया था इसलिए मैंने मार्क किया और यदि एजेंट मेंशन नहीं होता तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए आप भूल जाए किस तरीके कुछ समय के लिए आप ये एजेंट को भूल जाए अभी हम किस तरीके से इसी सेंटेंस को बनाते हैं जिसे मैंने कहा आर फिट नॉट बीइंग मेड टू डिस्ट्रीब्यूट इन सिटी। आर फिट नॉट बीइंग मेड टू डिस्ट्रीब्यूट इन सिटी इट्स इंडिविजुअली विल बी क्या सिटी में मिठाइयां नहीं बंटवाई जा रही हैं सिटी में मिठाइयां सर क्या सिटी में मिठाइयां नहीं बंटवाई जा रही हैं इस तरीके से हमारी हिंदी हो गई क्योंकि अभी मैंने आपको दोनों सेंटेंस में डिफरेंट बता दिए। फर्स्ट मैंने बाय का यूज किया था उसकी हिंदी डिफरेंट थी और अभी मैंने बाय को एलिमिनेट करके भी सेंटेंस बता दिए बाय हिम को। वन मोर थिंग आप इस सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज करके आस्किंग कर सकते हैं दिस सेंटेंस कैन बी आस्क्ड बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यू हैव टू कंबाइन नॉट एन आर विद साइमल्टेनियसली एंड सेंटेंस विल बी आस्क्ड आप इस नॉट और आर को साथ में कंबाइन करेंगे वी कॉल इट जनरली कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आरंट आरंट स्विट्स स्विट्स being made to distribute to by him क्या पब्लिक द्वारा लोकेलिटी में फेयर नहीं लगवाया जा रहा है
क्या पब्लिक द्वारा लोकेलिटी में फेयर नहीं लगवाया जा रहा है, दैट इज इट सेंटेंस। नाउ दिस सेंटेंस कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, यू हैव टू कंबाइन नोट एंड इट साइमल्टेनियसली, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। यदि आप इस नोट को यहां पुट नहीं करना चाहते तो आप यहां से नोट को एलिमिनेट करके आप इसके साथ में कंबाइन कर सकते हैं, तो भी आपका सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा। हम इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कहते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे नोट को हटा दिया और उसके एजेंट बना दिया और इसके साथ में कंबाइन कर दिया, सेंटेंस आपका किस तरीके से होगा? एजेंट फेयर बीइंग मेड टू होल्ड बाय पब्लिक इन लोकेलिटी, इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करें चाहे डायरेक्ट फॉर्मल का यूज करें, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एजेंट योर चेक बी मेड टू डिस्पैच इन एन अकाउंट, एजेंट योर चेक बीइंग मेड टू डिस्पैच इन एन अकाउंट, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी, क्या अकाउंट में आपका चेक नहीं भिजवाया जा रहा है, क्या अकाउंट में आपका चेक नहीं भिजवाया जा रहा है, डेट इज फिक्स्ड हिंदी मीनिंग। आप लोग देख रहे होंगे हियर आई हैव डायरेक्टली यूज्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मैंने यहां डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करी है। पहले मैं यहां पे नोट मार्क करता था, मैंने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लिया नोट और इसको साथ में कंबाइन कर लिया, वी कॉल इट एजेंट, हम इसे एजेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एम आई नोट नोट बीन Made to offer job
क्या मुझे जॉब ऑफर नहीं करवाई जा रही है, क्या मुझे जॉब ऑफर नहीं करवाई जा रही है, डेट इज इट संजय बिन। नाउ दिस सेंटेंस कैन बी कंबाइंड विद यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ये सेंटेंस भी आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के यूज से पूछा जा सकता है। यू हैव टू कंबाइन नॉट एंड एम साइमल्टेनियसली। हाउ विल आई डू इट? नॉट एंड एम, वी कॉल इट एंड। इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म विल बी एंड आई। नॉट और एम साथ में कंबाइन किया, वी कॉल इट एंड। एंड आई देन सिमिलरली बीइंग मेड टू ऑफर जॉब। एंड आई बीइंग मेड टू ऑफर अ जॉब, दैट इज इट्स फॉर्मेशन। ये जो किसका फॉर्मेशन, इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी, दैट्स ऑल। और मीनिंग आपकी सेम रहेगी। नाउ हियर आई हैव टोल्ड यू ऑल फीचर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन इन पैसिव वॉइस ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां मैंने आपको सारे फीचर बता दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के। एंड इट इज आर पॉजिटिव वर्ब, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक है। जनरली वी कॉल इट एडवांस इंग्लिश, हम इसको एडवांस इंग्लिश कहते हैं। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, हियर आई हैव टोल्ड यू इट्स स्ट्रक्चर। एंड आई हैव ऑल्सो डिफाइंड वेरियस एग्जाम्पल by using structure and not using structure. And one more thing, if agent is mentioned, you will have to put it, otherwise you will eliminate it. And you have to frame various example by using structure and following that example. And it will help you to improve your communication skill, how to ask question while having conversation. Here I end negative question. अभी यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बताया है, इसके एग्जांपल ही बताए हैं। सॉरी, हमें किस वक्त कन्वर्सेशन के फाइन, हमें कन्वर्सेशन के टाइम किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है नेगेटिव में, आप पूछ सकते हैं। आप स्ट्रक्चर भी समझ गए हैं और इसके एग्जांपल भी समझ गए हैं। यहाँ पर मैं अपना नेगेटिव क्वेश्चन का टॉपिक एंड करता हूँ। यह हमारा क्या जनरली सिग्निफिकेंट टॉपिक होता क्योंकि यह हमारा पॉजिटिव वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस का, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझें और आप वेरियस एग्जाम्पल की फ्रेमिंग करें। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, ये आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। आप नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग आर नेक्स्ट पार्ट। एंड इफ यू लाइक आर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।